हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने तीन शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। निफ्टी ने आज जो ओपनिंग दी मॉर्निंग में वो सेम लेवल पे दी और उसके बाद में ऊपर गया और फिर नीचे आया और दिन भर एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते रह गया। एक बहुत ही छोटी सी रेंज में इसने कंसोलिडेशन की है। अब हमारा व्यू निफ्टी में बुलिश हो चुका है। निफ्टी को हम बाय करेंगे। इसका एसएल जो रहेगा 11,400 के आसपास रहेगा या 11,400 अगर ब्रीच करता है तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। अभी 11,455 चल रहा है, लगभग 55 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और इसे जो टारगेट या जो अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 11,570 का। 11,570 के पास में इसे अच्छा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं आज फिर से इसमें कंसोलिडेशन हुई है और ये गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में इसने नीचे की डाउन मूव दी और उसके बाद में ये कंसोलिडेट किया और फिर एक अप मूव आई है इसमें। अब इसमें जानने की कोशिश करते हैं आखिर हो क्या रहा है। इसमें बैंक निफ्टी में काफी अच्छी वीकनेस रही है पहले और इसमें ही सबसे ज्यादा वीकनेस रही कह सकते हैं। निफ्टी को जहां रिलायंस ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आया। निफ्टी को 3 दिनों से इस यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है और यहीं पे फिर से आज भी यहीं पे फिर से सपोर्ट मिला है। 3 दिनों से एक ही सपोर्ट पे ये काम कर रहा है। अब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपसाइड की मूव दे दे। कल बैंक निफ्टी में जो अपसाइड की मूव आएगी वो इसे 23,300 या 400 के आसपास आसानी से लेकर जा सकती है। जो इसका सपोर्ट या जो हम कह सकते हैं सपोर्ट जो रहेगा वो 22,100 के पास में रहेगा। 22,100 अगर ब्रीच होता है तो हम इससे इस लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। अभी ये सही मौका है बैंक निफ्टी में एंट्री करने का कह सकते हैं। बहुत ही कम कह सकते हैं एसएल है हमारा और 1,000 पॉइंट की लगभग मूव इसे तय करनी है। ये जो मेरा व्यू है वो वीकली व्यू है। इस वीक में आने वाले वीक में ये ऐसे परफॉर्म कर सकता है। हमें याद रखना है 22,100 का एसएल या फिर सपोर्ट, जो अगर ब्रीच होता है तो हम इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 23,400 के पास है। बैंक निफ्टी कह सकते हैं 3 दिनों से एक ही लेवल पे काम कर रहा है। इसने बहुतों के हौसले पस्त कर दिए हैं। जो बुलिश थे यहाँ पे उनके हौसले तो अभी बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। 11 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी, रिलायंस इंडस्ट्री से बाय करना था। इसका एसएल था 2290 और इसके टारगेट थे 2348, 2368 एंड 2400। यह 1 मिनट का रिलायंस का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में फर्स्ट मिनट में ही इसने हमारे एसएल को छू दिया था और उसके बाद में इसमें काफी अच्छी कंसोलिडेशन रही। पूरा दिन भर एक ही रेंज में काम करता रहा रिलायंस, लेकिन एक बहुत ही क्रिटिकल जगह पे खड़ा है। यहां से ये इसकी डाउन मूव बहुत ही लिमिटेड है और अप मूव में बहुत ही अच्छे साइन है। हमारा दूसरा स्टॉक था अदानी गैस। अदानी गैस को बाय करना था। इसका एसएल था 204 और इसके टारगेट है 212, 215 एंड 218। इसने मॉर्निंग में हमारे एसएल को हिट कर दिया। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है अदानी गैस का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में इसने बहुत ही नीचे की मूव दी और उसके बाद में हमारे एसएल को हिट किया और फिर ये कंसोलिडेट करता रह गया पूरे दिन भर। हमारा तीसरा शेयर था बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को बाय करना था और इसका एसएल था 568, इसका टारगेट थे 580, 586 एंड 594। यह बर्जर पेंट का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में ही इसने नीचे की मूव दे दी और हमारे एसएल को हिट कर दिया और फिर दिन भर कंसोलिडेट ही करता रह गया। ये कल की हमारी पहली रिकमेंडेशन है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड को बाय करना है। इसका एसएल रहेगा 831 और इसके टारगेट रहेंगे 864, 874, 898। यह एसबीआई कार्ड का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी मूव आई है आज। वॉल्यूम भी काफी बिल्डअप हुए हैं और इसमें आरएसआई भी काफी फेवरेबल है। इसमें जो मूव आई है पहले से अप मूव चल रही है और ये सेकेंड अप मूव की इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। 14 सितंबर की हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है हेडसन। हेडसन एग्रो को बाय करना है और इसका एसएल रहेगा 800, इसके टारगेट रहेंगे 829, 842 एंड 853। यह हेडसन एग्रो का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी मूव इसमें रही है। ये ऊपर ही चलता चला गया है शेयर और अभी ये फिर से एक सेकेंड अप मूव के लिए रेडी है। इसमें आरएसआई भी काफी फेवरेबल है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है केपीआईटी टेक। इसे बाय करना है। इसे बाय करेंगे हम 87.5 से लेकर 88.1 के लेवल पे और इसका एसएल रहेगा 86.5 और इसके टारगेट रहेंगे 90, 92 एंड 94। ये रेंज जब आएगी तभी हम बाय करेंगे। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम इसे बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा अगर ये केस आता है तो।
ये है केपीआईटी का चार्ट और देख सकते हैं काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, अप और डाउन मूव बहुत ही वाइल्ड देता है ये। इसमें कल जो कैपेसिटी है ऊपर जाने की बहुत ही स्पीड से ये ऊपर जा सकता है, वॉल्यूम डेवलपमेंट नहीं हुए हालांकि अभी आरएसआई लेकिन फेवरेबल है। और स्विंग ट्रेड के लिए हमने जो बताया था स्टॉक वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी अभी भी हमारे स्विंग ट्रेड में रहेगा, इसके जो टारगेट है वो 4530, 4680 एंड 4880 है। इसे हमने 10 सितंबर को रिकमेंड किया था 4429 के लेवल पे और इसका एसएल है 4300 और हमने इसमें एक बुल स्प्रेड बनाया था, इसमें हमने कॉल बाई की थी 4500 की 110 पे और इसके कॉल एक सेल की थी 4700 की 50 रुपीज में। देख लेते हैं आज उसकी क्या स्थिति है। इसमें हमारा जो रिस्क बन के आ रहा है वो 15K का है और हमारा जो रिवार्ड है वो 35K का है। हमने इसमें डिफाइन एसएल कर दिया है, 8K का लॉस अगर होगा तो हम इसमें इससे एग्जिट कर जाएंगे। डॉक्टर रेड्डी का बुलिश व्यू मैंने एक बुल स्प्रेड के थ्रू बनाया है और कह सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में जो बुलिश व्यू बनाया है उसमें हमने कॉल एक बाई की है 4500 की 110 रुपीज पे, जिसका अभी करेंट रेट है 94.55 और इसका लॉट साइज है 250 का और अभी जो हमें लॉस हो रहा है इससे वो है 3800 का। हमने एक दूसरी कॉल सेल की थी 4700 की, जिसे हमने सेल किया था 50 रुपीज पे, जिसका अभी करंट रेट है 39 रुपीज। इसमें हमें जो गेन हो रहा है वो है 2750 का। जो ओवरऑल लॉस हमारा है वो 1100 के अप्रॉक्स है, हम इसे अभी कैरी करेंगे। हमारा जो एसएल है वो 8000 के आसपास है। अगर 8000 का एसएल हिट होता है तो हम इससे आउट हो जाएंगे। देखेंगे आगे आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करता है।